नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप जीवन यापन करते हैं तो आप हमेशा अपनी जिंदगी में कई सारी ऐसी गाड़ी देखते होंगे, चाहे आप रेलगाड़ी देखते होंगे, चाहे फ्लाइट देखते होंगे, चाहे आप फोर व्हीलर देखते होंगे, चाहे आप टू व्हीलर देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो है आपके सामने नजर आती है। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद मन में आपकी एक सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, आखिरकार वैसा क्यों, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों। ऐसे बहुत सारे ऐसे ख्यालात होते हैं, बहुत सारे ऐसी माइंड सेटअप होती है जो कि अलग अलग चीजों को अलग अलग परसेप्शन से सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप कार देखे होंगे तो आप कार के देखते होंगे कि पीछे में उसका साइलेंसर होता है, यानी कि जो उसकी धुआं निकलती है, जो अवशिष्ट निकलते हैं कार के, वो पीछे के डायरेक्शन में होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रक के, तो ट्रक का आप देखते होंगे कि जो साइलेंसर होता है वो उनके साइड में होता है, और साइड में होता है कि वेरिएबल होता है, किसी का साइड में होता है, किसी का दूसरे साइड में होता है। अगर आपने बस देखा होगा तो बस में भी जो साइलेंसर होता है वो बीच साइड में होता है, यानी कि नीचे साइड में होता है। और अगर आप बाइक की बात करें, चाहे कोई भी बाइक लें, जो साइलेंसर होता है वो पीछे होता है। आखिरकार इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की कारण क्या है, इसको पीछे क्यों लगाया जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको बीच चर्चा करने वाला हूँ, वो चर्चा ये है कि आपने ट्रैक्टर भी देखा होगा, लेकिन जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बात कर चुका हूं कि जो इंजन होता है उसके आगे, चाहे हम ट्रक की बात करें, बस की बात करें, या फिर ऑटो की बात करें, या फिर हम कार की बात करें, या फिर बाइक की बात करें, इसमें सारा जो प्रोसीजर होता है, जो सारा साइलेंसर होता है, इन सभी गाड़ियों में पीछे होता है। लेकिन अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर में जो गाड़ियों का साइलेंसर होता है वो इंजन के, माने कि जो ड्राइवर बैठते हैं, उसके आगे होता है और ऊपर की तरफ उसका धुआं निकलता है। इसके पीछे क्या कारण क्या है, आखिरकार ट्रैक्टर का जो साइलेंसर है वो ड्राइवर के आगे और ऊपर के डायरेक्शन में क्यों खुला होता है, इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। तो इस जानकारी को देखने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखना होगा। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खेतों में चलता हुआ ट्रैक्टर तो आपने देखा ही होगा, उसके पिछले दो पहिए बड़े और अगले दो पहिए छोटे होते हैं, क्योंकि पिछले पहियों से पावर और अगले पहियों से दिशा दी जाती है, यही तो सबको पता है। परंतु एक सवाल है और है, ट्रैक्टर का साइलेंसर ऊपर आसमान की तरफ से होता है, कार की तरह पीछे या ट्रक की तरह साइड में क्यों नहीं होता है? आइए इसका टेक्निकल लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। ट्रैक्टर का साइलेंसर ड्राइवर के सामने क्यों लगाया जाता है? भारतीय रेल में लोकोमोटिव श्री अजय कुमार कहते हैं कि ट्रैक्टर कोई शाही सवारी नहीं है, इसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए ज़्यादातर किया जाता है, अतः बहुत आवश्यक है कि इसका लागत मूल्य कम से कम रखा जाए। ऐसे में जब इंजन अगले हिस्से में है तो गैर जरूरी पाइपिंग जोड़ते हुए साइलेंसर को घुमा फिराकर कारों की तरह पीछे तक ले जाने में अनावश्यक खर्च से बचाया गया है, साथ ही यह रखरखाव एवं मरम्मत की दृष्टि से भी उपयुक्त है। तब इसकी मरम्मत के लिए ना तो मैकेनिक के नीचे लेटने की जरूरत होगी और ना ही जैक लगाकर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ट्रैक्टर का साइलेंसर पीछे की तरफ क्यों नहीं होता है? ट्रैक्टर में अक्सर पीछे की तरह ट्रॉली जोड़ी होती है जिसमें अनाज, फल, सब्जियों के अलावा कभी कभी कुछ लोग भी सफ़र करते हैं। सोचिए, यदि इंजन से निकलने वाली जहरीली गैस पीछे की तरफ निकलती है तो उन फल, सब्जियों एवं अनाज के दूषित होने के साथ ही बैठने वाले लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कृषि संबंधी बहुत से कार्यों में भी पीछे की तरफ लगा हुआ साइलेंसर उपयुक्त नहीं है, जैसे कि खेत की जुताई, बुवाई एवं फसल की कटाई इत्यादि। साइलेंसर पीछे होता है तो फसल कटते कटते ही दूषित हो जाता है। ट्रैक्टर का साइलेंसर ट्रक की तरह साइड में क्यों नहीं होता है? दरअसल ट्रैक्टर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि इसे ट्रक से कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि दोनों वजन उठाने के ताकतवर वाहन हैं, परंतु दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है। ट्रक में ड्राइवर का केबिन आगे, इंजन नीचे और साइलेंसर साइड में होता है, जबकि ट्रैक्टर में इंजन आगे, साइलेंसर आसमान की तरफ और ड्राइवर की कुर्सी साइलेंसर के नीचे कुछ इस तरह से होती है कि साइलेंसर से निकलने वाला काला धुआं ड्राइवर को पार करते हुए आसमान में खुल जाए। यदि उसे ट्रक की तरह साइड में लगा दिया जाए तो ट्रैक्टर का ड्राइवर कुछ ही दिनों में अंधा हो जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से और क्यों जो है ट्रैक्टर में साइलेंसर जो है वो ड्राइवर के आगे और इंजन के पोर्शन पर ऊपर के डायरेक्शन में खोल दिया जाता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।